नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उन कॉलेजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इंडिया के सबसे चीपेस्ट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें आप कम पैसे में मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको मेडिकल से जुड़ी ऐसी सारी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तरुणा मेडिकल कॉलेज की, जो कि नवी मुंबई में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल फीस है MBBS की 30 लाख रुपया है। ये 4 साल की फीस है, 4 साल में आपको टोटल 30 लाख रुपया लग जाएगा। अगर आपको इसमें एनुअली देखना चाहें तो आपको 7 से 8 लाख रुपया जो कि एनुअली लगेगी अप्रॉक्सीमेटली। सेकेंड मेडिकल कॉलेज आप यहाँ पर देख सकते हैं CCM मेडिकल कॉलेज, जो कि दुर्ग में है। इसकी फीस यहाँ पर आप देखेंगे कि 40 से 45 लाख रुपया है। अगर आप इस फीस को एनुअली डिवाइड कर दें तो आपको लग जाएगा 9 से 10 लाख रुपया अप्रॉक्सीमेटली। तीसरा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि रायपुर में है। यहाँ पर आप टोटल फीस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 लाख रुपया है जो कि टोटल फीस है 4 साल का। अगर आप इसको एनुअली डिवाइड किया जाए तो आपका पड़ेगा 5 से 6 लाख रुपया के बीच अप्रॉक्सीमेटली, जो कि दूसरे कॉलेज से कम है, कंपेरेटिवली कम है दूसरे कॉलेज से। फोर्थ मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करें तो केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर में है। इसकी एनुअल फीस की बात करें तो 1,14,600 रुपया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी भी दी गई हुई है। जैसे कि आप मेडिकल कॉलेज है तो आपको पता ही होगा कि अगर आपको एडमिशन लेना है इन सब कॉलेज में तो आपको सबसे पहले नीट को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपको इस कॉलेज में, इन सब कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। पाँचवा मेडिकल कॉलेज यहाँ देखते हैं तो श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज, जो कि इंदौर में है। यहाँ पर जो एनुअल फीस की बारे में बात करें तो 6,35,600 रुपया है। ये दूसरे मेडिकल कॉलेज से काफ़ी कम है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी डीन के कॉलेज होते हैं, वहाँ के यूनिवर्सिटीज जो होती है, वहाँ का पर एनम फीस जो होता है 20 लाख से भी ऊपर होता है। तो उसके मुकाबले ये फीस बहुत ही कम है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं छठे मेडिकल कॉलेज की ओर, MS रमिया मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एनुअल फीस है 7,77,500 रुपया है एनुअली। फिर आगे हम बात करते हैं सातवें मेडिकल कॉलेज की, जो कि है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। ये अच्छे कॉलेजों में गिना जाता है, इसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई होती है। इसकी एनुअल फीस की बात करें तो 1,67,000 पर ईयर है। तो यहाँ पर आप भी एडमिशन ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। आठवें नंबर पर हम आते हैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की ओर, जिसकी एनुअल फीस है, एनुअल फीस तो नहीं, टोटल फीस यहाँ पर दिखाई गई है 50 लाख रुपया। अगर आप इसको एनुअली डिवाइड किया जाए आपका पड़ जाएगा 10 लाख से 12 लाख रुपये के बीच। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज, दूसरे मेडिकल कॉलेज अभी तक जितने भी मेडिकल कॉलेज में आपको बताया हूँ उससे थोड़ा सा महंगा है, पर डीन मेडिकल कॉलेज ये दूसरे मेडिकल कॉलेज से कम है और इंडिया के दूसरे मेडिकल कॉलेज से कम है। फिर आगे हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की, 90 नंबर पर है। इसकी एनुअल फीस जो है 7,29,818 रुपया है। फिर लास्ट नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जो कि अच्छा मेडिकल कॉलेज है। इसमें आप जो फीस देख सकते हैं 2,51,820 रुपया एनुअली है। आपको इन सभी कॉलेजों के बारे में बताया जो कि मेरी जानकारी में था, जो कि मैंने एक आर्टिकल से निकाला है। अगर आपके नीट 2019 में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो आप इन सब मेडिकल कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन आपका पहला टारगेट जो होगा मेडिकल कॉलेज होगा, गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज होगा, जिसमें फीस भी कम है और एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर बाई चांस वहाँ पर अगर नहीं लगता है तो आप इन कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल टॉप रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए ताकि ऐसी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल से रिलेटेड और सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।